हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीटेट का पेपर हो गया है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ये ख़त्म हो गया 9 बजे की, जो फर्स्ट पाली में था। और इसका जो पेपर है, इसमें मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग इसको मिला लीजिए, अपने आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएँ थी, सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16% हो जाएगा। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, सामान की नई कीमत क्या होगी? 10% की कमी की है तो सामान की जो नई कीमत हो जाएगी वो हो जाएगा 450 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न ताप नीचे तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड का एक डेटा सेट किया गया है, ये सेट किया गया, इसमें डेटा का परिसर क्या होगा? तो इसका जो परिसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 डिग्री। ऑप्शन टू सही है इसमें। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिमाण इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। ये दिया गया हेड टेल, हेड टेल ये सब दिया गया है इसमें। तो इसमें चित्त प्राप्त करने की संभावना कितना है? चित्त प्राप्त करने की, यानी कि चित्त जिसको हेड बोलते हैं, हेड प्राप्त करने की संभावना कितनी है? तो हेड प्राप्त करने की संभावना कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3/5। ऑप्शन वन सही है इसमें, ऑप्शन वन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। संख्यात्मक व्यंजक 3/7 ± 7/8, अब ये दिखाता है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ऑप्शन वन सही हो जाएगा। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त होती हैं। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है? शीर्ष किसमें नहीं होता है? वो गोले में शीर्ष नहीं होता है। एक ये समीकरण आपको दिया गया है, तो इसमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। इसकी वैल्यू जो है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, इसमें पूछा जा रहा है कि ये समीकरण देखिए दिया हुआ है, 38, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूरा समीकरण दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया ये 3। 39वें क्वेश्चन को देखते हैं, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके आंतरिक संबंध को दिखाता है, तो ये कौन सा होता है? ये पाई चार्ट होता है। यदि क्यू एक प्राकृतिक संख्या पी का वर्ग है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सही करना है क्वेश्चन नंबर 40। इसका आंसर हो जाएगा 2, क्यू का वर्गमूल। और एक ये आपको वैल्यू दी गई है, इसको सॉल्व करना है। जब 41 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 10। ऑप्शन टू सही है इसमें। 42 क्वेश्चन देखते हैं, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए गए हैं, पंक्ति में पौधों की संख्या व्यक्तियों की संख्या हो, जितनी पौधों की संख्या है उतनी पंक्तियों की संख्या है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा सही 28। 42 का 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है ये एकदम से। और आगे का जो प्रश्न है 43, क्वेश्चन नंबर 43। 43 इसमें दो राशियां दी गई हैं, एक्स एंड वाई, एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप से घटते बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 43 का सही आंसर हो जाएगा सी, उनके संबंधित मानों का योग एक समान बना रहता है। 44 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि 7y × 6 दिया गया, तो y का मान क्या होगा? y का मान क्या होगा इसमें पूछा जा रहा है आंसर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसमें, तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 4। 4 इसका सही आंसर आएगा, 444 हो जाएगा ये पूरा। ये यहाँ पे 70y जो 4 रख दीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 24 हासिल आए 2, 6 × 7 = 42 और 2 = 44। देखिए 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, वाई 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 हो गया, सब हो गया पूरा ये। क्वेश्चन नंबर 45। 700 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 m³ पानी की आवश्यकता पड़ती है, टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, ये मैथ के क्वेश्चंस थे, इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम अभी आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल से और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और बेल आइकन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, तो अभी अगला वीडियो में जब लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों, धन्यवाद।